अब हम लोग देखेंगे सात नंबर वाला। सात का पहला नंबर, यहाँ रिक्त स्थान भरना है। सात का पहला नंबर का ये बोल रहा है सभी डॉट 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 वर्ग होता है समरूप या सर्वांग यानी सभी वर्ग, यानी एक ऐसा भी वर्ग बना सकते हैं, एक ऐसा भी वर्ग संगम सकते हैं। तो इस तरह तो हम सर्वांग सम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी एक नंबर का ए जो होगा यहाँ आप समरूप बैठा दीजिए, समरूप, ठीक, जो आपका डॉट डॉट लिखा हुआ है उसमें आपका समरूप बैठ जाएगा। एक नंबर का जो बी दिया हुआ है वो बोला जा रहा है कि सभी त्रिभुज डॉट सभी लिख के डॉट डॉट लिखा हुआ है त्रिभुज समरूप, यानी यहाँ लिखा हुआ है कष्टक में है ब्रैकेट में समद्विबाहु या समबाहु। देखिए समद्विबाहु मतलब होता है दो बाहु जिसका समान होता है, तो ये दो बाहु समान है। और मान के चले हम एक समकोण लिख दिया और इसका भी दो बाहु समान दे दिए, ये बाहु और ये बाहु समान है, तो इस दोनों को तो हम ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि ये क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब बोलिए क्या कि समबाहु त्रिभुज में भी हम समकोण लिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि समबाहु अगर कोई त्रिभुज होता है और उसका समकोण ही होता है तो इस कोण ना इस भुजा और इस भुजा दोनों भुजा का योगफल के बराबर होता है, योगफल के वर्ग के बराबर होता है। इसीलिए कभी भी समबाहु त्रिभुज समकोणी त्रिभुज नहीं बन सकता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज समकोणी त्रिभुज बन सकता है, ठीक है। अब देखिए सात का दो, सात का दो में फिगर दिया हुआ है और उस फिगर में बोला जा रहा है कि एक्स का मान निकालिए, ठीक है। ये फिगर है, इस तरह एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ये, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ यहाँ दिया हुआ है एक्स, यहाँ दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ है 1.8 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा हुआ है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि एक्स का मान निकालिए। तो देखिए और फिर बोला गया है क्वेश्चन में कि यहाँ डी ई समानांतर बी सी, यानी डी ई समानांतर बी सी। हम लोग थ्योरम 6.1 में, 6.1 में हम पढ़े हैं, प्रमेय 6.1 में कोई एक त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा जाए तो उन अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभक्त करता है। यानी इसका मतलब BC भुजा के समानांतर DE एक रेखा खींचा गया है तो AB और AC भुजा को समान अनुपात में विभक्त करता है। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, पहले तो आप गिवेन करके ये ऐसे लिख दीजिए गिवेन, ठीक है, इस चीज़ को नहीं लिखिए, गिवेन लिख के यहाँ लिख दीजिए कि BD का वैल्यू कितना है, 7.2 है, ठीक। AE का वैल्यू कितना है, 1.8 है सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख दीजिए। अच्छा AC का वैल्यू कितना है, 5.4 है और हमको AD का वैल्यू निकालना है जिसका मान x है। तो आप यहाँ लिखिए कि DE समानांतर क्या है, BC, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि AD बाई BD बराबर AE बाई AC। कहाँ से ये मिला हमको, तो यहाँ हम लिख देंगे कि प्रमेय 6.1 से ये चीज़ हमको मिला, 6.1 से, ठीक। अब सबका वैल्यू रखिए, AD का वैल्यू कितना है, x है, और इसका वैल्यू कितना है, 7.2 है, AE का वैल्यू कितना है, 1.8 है, इसका वैल्यू कितना है, इतना है। तो अब हम जानते हैं कि कोना कोनी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7.2 × 1.8 और यहाँ x गुना हो गया, ठीक। एक्स का हमको वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, 7.2 × 1.8 बाई इतना। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप उड़ा दीजिए, हम जानते हैं कि 18 और 3 × 18 कितना होता है, 54। अब इसको हम भाग करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, चलिए इसको 3 लिख दीजिए यहाँ पे, अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ एक्स लिख दीजिए, यहाँ 7.2 / 3, तो इसको काटिए, 3 × 3 और 3 × 2 आपको बन जाएगा कितना, 6 और बचा 1 तो 3 × 4 = 12, तो इसीलिए एक्स का वैल्यू आप कितना निकलेगा, 2.4 ये सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा मैथ है बी नंबर वाला, इसी तरह गो फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इस फिगर में दूसरा जो मैथ है उसी का हम बना रहे हैं, इसमें कोई वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ
नहीं है, सेम टू सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है गिवेन में देख लीजिए, गिवेन में दिया हुआ है कि AD बाय BD या तो DB बोलिए 3/5 दिया हुआ है, और AC का मान दिया हुआ है, AC यानी पूरा का मान दिया हुआ है आपका 4.8 सेंटीमीटर, और हमको बोला जा रहा है कि AE का मान ज्ञात करें, AE का मान ज्ञात करें, इस वाला का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि BC समानांतर अगर DE है तो हम क्या लिख सकते हैं कि AD बाई BD बराबर AE बाई, हम क्या लिख सकते हैं, EC लिख सकते हैं। तो AD बाई BD का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, AE का हमको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ AE को AC से किसका मान हमको यहाँ लिखना है, EC, तो EC बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि पूरा का, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मेरा ये वाला हिस्सा बन जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कि AC माइनस AE। नहीं समझ में आया, EC देखिए, EC मतलब किस जगह को बोला जाता है, इस जगह को EC बोला जाता है, लेकिन AC से अगर इसको हम घटाएंगे तो ये वाला हिस्सा बचेगा, तो इसीलिए हम AC से AE को घटाइए। अब यहाँ क्या करेंगे, 3/5 AE का वैल्यू तो हमको निकालना है, तो AE लिख दीजिए, AC का वैल्यू कितना है आपका 4.8 माइनस AE। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कोणाकानि गुण करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 3 × क्या बन जाएगा 48, और -3 AE बन जाएगा, ठीक। अब उधर इसको गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 AE बन जाएगा, 5 AE, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, लेके चलिए 3 × 4.8, और इधर 5 AE है, और उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, +3 AE, ठीक। देखिए तो कितना बन गया, 8 AE बन गया, AE वाला को इधर लिख दिए और आप इसको इधर लिख दीजिए 3 × 4.8, तो AE का वैल्यू निकालना है हमको, तो 3 × 4.8, आप 8 नीचे, अगर 8 नीचे आ गए, अब इसको आप काट सकते हैं, 8 के 8 और 6 8 48 हो जाएगा, तो 0.6, तो 3 × 0.6 इसको गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर बन गया मेरा मैथ, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर, 7 का तीसरा नंबर, यहाँ एक गो वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और वृत्त के एक बिंदु से ऐसे करके दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, टी बिंदु से, यहाँ लिखा हुआ है पी, यहाँ लिखा हुआ है क्यू, और यहाँ इसका केंद्र क्या है, ओ है, और इस जगह का मान दिया हुआ है 110 डिग्री। तो हमको बोला जा रहा है क्या कि कोण PTQ यानी इस जगह का मान हमको निकालने बोला है, ठीक है। तो देखिए हम गिवेन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इतना तो हम लिख सकते हैं, कोण POQ इसका फिर कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, और किसका मान निकालना है हमको, PTQ का मान निकालना है, PTQ बराबर हॉट, ठीक। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मान के चलिए PTQO ये क्या है, चतुर्भुज है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि PTQO एक क्या है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, तो इसलिए हम लिखेंगे कोण OPT प्लस कोण PTQ प्लस कोण TQO प्लस कोण POQ बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। हम लोग प्रमेय प्रमेय में हम पढ़े हैं 10.1 में, 10.1 प्रमेय में कि किसी भी स्पर्श रेखा पर या स्पर्श बिंदु पर केंद्रों से अगर त्रिज्या को मिलाया जाता है तो वहाँ परपेंडिकुलर होता है यानी 90 डिग्री होता है, यानी ए वाला हिस्सा 90 डिग्री होगा, ए वाला हिस्सा भी 90 डिग्री होगा, तो OPT का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री, कहाँ से, प्रमेय 10.1 से। इस वाला को तो हमको हिस्सा निकालना है, PTQ का मान निकालना है,
TQON इस कोण का मान भी 90 डिग्री होगा, और इस कोण का मान कितना डिग्री दिया है, 110 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक, अब इसको जोड़िए, 90 90 180, 180 और 110 कितना होगा, 90 90 180 और 110 तो आपको बन जाएगा 200 और 80 90 हो जाएगा, 290 डिग्री प्लस कोण PTQ बराबर कितना, 360 डिग्री। अब इस कोण का वैल्यू PTQ बराबर कितना, 360 डिग्री से 290 घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा, 70 डिग्री। तो इस कोण का वैल्यू कितना निकल लिया, 70 डिग्री निकल गया। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर हम लोग देखेंगे सवाल। 8 नंबर में छोटा छोटा है, कुछ नहीं है, तुरंत हो जाएगा। 8 नंबर बोल रहा है कि वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। एक वृत्त है, इस वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, एक बिंदु दो बिंदु, तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, छेदिक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, छेदिक रेखा, छेदिक या छेदक रेखा भी बोल सकते हैं, छेदिक रेखा या छेदक रेखा, छेदक रेखा बोलिए, छेदक रेखा। ठीक, दूसरा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये वृत्त है और इसके स्पर्श जो किए, स्पर्श रेखा और इस बिंदु के, इस बिंदु को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक, तीसरा नंबर है किसी वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। किसी वृत्त के, किसी वृत्त है इसके समांतर कितना रेखा हो सकता है, स्पर्श रेखा, छेदिक रेखा नहीं, तो एक जगह से स्पर्श किए और मान के चलिए एक जगह में स्पर्श किए, ठीक है, इस जगह में स्पर्श किए, तो एक वृत्त के स्पर्श रेखा समानांतर दो ही हो सकता है, यानी दो ही रेखा हो सकता है। मान के चलिए फिर इस रेखा का अगर समानांतर हम खींचेंगे तो ऐसे करके खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा नहीं हुआ, ये छेदिक रेखा बन गया। इसलिए एक वृत्त का स्पर्श रेखा अगर आपको पूछा जाए तो कितना होगा, दो होगा। लेकिन ये नहीं बोला जा रहा है कि एक वृत्त के स्पर्श रेखा यानी समानांतर स्पर्श रेखा का युग्म कितना हो सकता है, अनेक हो सकता है। युग्म का अगर बात बोला जाए तो ऐसे आप समानांतर खींच सकते हैं, आप ऐसे भी समानांतर खींच सकते हैं, ठीक, आप थोड़ा सा तिरछा करके ऐसे भी आप खींच सकते हैं, ऐसे करके, ठीक, यानी एक एक वृत्त के समानांतर रेखा के युग्म कितना हो सकता है, तो अनगिनत हो सकता है। लेकिन एक वृत्त के समानांतर स्पर्श रेखा कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, तो दो ही स्पर्श रेखा आप समानांतर खींच सकते हैं। तीसरा अगर समानांतर रेखा खींचेगा तो वो वृत्त को छेदिक कर देगा, छेदिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ हम दे देंगे 3 नंबर में दो दो। चौथा नंबर है वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कैसी रेखा कहते हैं। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को भी हम छेदिक रेखा ही कह सकते हैं। यानी एक नंबर और 4 नंबर का सवाल लगभग एक ही है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। चलिए अब हम लोग 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर का एक नंबर बोला जा रहा है, मान लीजिए हम एक पासा को एक बार फेंकते हैं। 9 नंबर जो है ये प्रायिकता वाला मैथ है, प्रायिकता जिसको हम कहते हैं, 15 अध्याय वाला, तो ये बहुत ईजी है। एक पासा को एक बार फेंकते हैं तो चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। पासा माने जिसको हम डाई, लूडो का जो होता है उसको, तो इस तरह के मैथ को हम ऐसे बनाते हैं, स्पेस, स्पेस में समिष्टि जो होता है 1। अब एक पासा को अगर निकालिएगा, फेलिएगा, तो उसमें 6 फलक होते हैं, तो उसमें एक फलक में 1 लिखा रहता है, एक फलक में 2, एक फलक में 4, एक फलक में 5, एक फलक में 6, इतना ही रहता है। तो नंबर ऑफ स्पेस कितना है, 6 है, और इस चीज़ को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि 4 से बड़ी संख्या, तो इवेंट, इसे हम समझते हैं कि इवेंट, इवेंट मेरा क्या है, 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या क्या है, 5 है और 6 है, तो 4 से बड़ी संख्या 5 और 6, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट हो गया पर 2। ठीक, नंबर ऑफ इवेंट हो गया 2। तो यानी पर्यक्ता अगर हमको निकालना है तो पर्यक्ता और हॉट, तो हम जानते हैं, यहाँ लिख दीजिए, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पर्यक्ता प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ इवेंट
बाय नंबर ऑफ स्पेस, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है, टू है, और नंबर ऑफ स्पेस क्या है, सिक्स है, तो दो दो तीन सिक्स, तो वन बाई थ्री, इसका आंसर क्या बन जाएगा, वन बाई थ्री बन जाएगा। ठीक, अब दो नंबर वाला मैथ देखिए, नौ का दो, नौ का दो बोला जा रहा है कि घटना ई की प्रयोक्ता और घटना ई नहीं की प्रयोक्ता का योग क्या होगा। हम ये जानते हैं कि घटना ई और घटना ई नहीं, बार जब लगा देते हैं तो उसको नहीं पढ़ा जाता है कि योगफल कितना होता है, वन होता है, यानी प्रयोक्ता का मान, जितने भी प्रयोक्ता होगा सारे प्रयोक्ता का मान वन ही होता है, ना वन से बड़ा होता है ना वन से छोटा होता है, इतना जान लीजिए। ठीक है, अगर मान के चलिए एक आपका फॉर्मूला भी बन गया है, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है कि प्रयोक्ता और प्रयोक्ता नहीं का योगफल बराबर वन होता है। थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर बोला जा रहा है कि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो चित प्राप्त करने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। एक सिक्का, सिक्का मीन्स पैसा, अगर एक सिक्का को आप टॉस कीजिएगा तो समिष्टि क्या बनेगा आपका, स्पेस क्या बनेगा, या तो हेड बनेगा या तो टेल बनेगा, दोनों में से किसी एक ही होगा ना, तो नंबर ऑफ स्पेस क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ स्पेस टू, और इवेंट आपको पूछा जा रहा है चित आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें, तो चित मतलब हेड, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट बराबर वन। तो हम क्या जानते हैं, प्रयक्ता, प्रयक्ता का फॉर्मूला हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ स्पेस, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है, वन है, नंबर ऑफ स्पेस कितना है, टू है, तो वन बाई टू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन, इसका आठ का लास्ट क्वेश्चन जो है, नौ नंबर का लास्ट क्वेश्चन, नौ का लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गिवन में लिख लीजिए आप, प्रयक्ता 0.05 है तो प्रयक्ता नहीं बराबर हॉट। तो हम क्या जानते हैं, हम एक फॉर्मूला भी लिखे, जस्ट यहाँ लिखा हुआ भी है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रयक्ता और प्रयक्ता नहीं दोनों का योगफल कितना डिग्री, वन। तो किसको निकालना है, इसको निकालना है प्रयक्ता ई, इसका वैल्यू निकालना है, तो वन माइनस क्या बन जाएगा, प्रयक्ता ई। ठीक है, इसका वैल्यू वन, वन माइनस कितना, 0.05। देखिए इस चीज़ को लगभग 10 क्लास के स्टूडेंट जो होते हैं वो घटाने में इसको गलती कर देता है, तो जीरो जीरो कर दीजिए, पॉइंट के बाद जीरो नहीं है तो जीरो दे दीजिए, वन के बाद पॉइंट देकर। अब यहाँ क्या है, 0.05 है, तो इसको इस विधि से कीजिए तो आराम से होगा, 10 से 9 गया, यहाँ कितना है, 9 है, 0.0 बन जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना बनेगा, 0.95 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन जाते हैं 10 नंबर में, चलिए इसको भी मिटा देते हैं पूरा सबको। चलो एक और पॉज करो।